बिहार को पीएम को बड़ उपहार 45,000 गाँव को मिल हाईस्पीड इंटरनेट नुआ हाइवे प्रोजेक्ट रो शिलान्यास 350 किलोमीटर रास्ता पाई खर्च हेब 14,000 कोटी घरतक फाइबर प्रकल्प अधीन बदल बिहार राज्यर 45,945 गाँव में पहुंचब हाईस्पीड इंटरनेट बिछाजीब ऑप्टिकल फाइबर गाँव में डिजिटल सुविधा पाई रहिबो 34,821 कॉमन सर्विस सेंटर ए सबु अंचल स्कूल और अंगनवाड़ी वाईफाई एवं 5 मागणा कनेक्शन सुविधा दिजिव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया 9 राजमार्ग परियोजनार शिलान्यास कर प्रधानमंत्री यह योजन प्राय 350 किलोमीटर रास्ता पर 14,258 कोटी टंका खर्च होपरी गंगा नदी उपरे पोलर संख्या 17 में पहुंचे लेन संख्या 62 में पहुंच। आज बिहार की विकास यात्रा का एक और अहम दिन है। बिहार में कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाली 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इन परियोजनाओं में हाईवे को 4 लेन और 6 लेन बनाने का और नदियों पर 3 बड़े पुलों के निर्माण का काम शामिल है। देश के 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। जब गांव गांव में तेज इंटरनेट पहुंचेगा तो गांव में पढ़ाई आसान होगी, गांव के बच्चे हमारे ग्रामीण युवा भी एक क्लिक पर दुनिया की किताबों तक तकनीक तक आसानी से पहुंच पाए। सेपटे ही अवसर में कृषि बिल संपर्क में चाषी को आश्वासना देखते मोदी कहते नुआ बिल कृषकों दे स्वाधीनता किसी लोक यह राजनीति और भ्रम सृष्टि कर प्रधानमंत्री स्पष्ट कर बिल द्वारा शेष होबनी मंडी एमएसपी उपर पड़बनी प्रभाव किछि लोक मिछ प्रचार करुछंती चासी सेमानंक थारु सावधान रुहंतु देशरे शीतल भंडारर नेटवर्क को विकास और विस्तार करा जाउछि। नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल, अपने फल सब्जियां अपनी शर्तों पर बेच सकता है। अब उसे अपने क्षेत्र की मंडी के अलावा भी कई और विकल्प मिल गए हैं। अब देश के किसान बड़े बड़े स्टोर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में इनका आसानी से भंडारण कर पाएंगे। जब भंडारण से जुड़ी कानूनी दिक्कतें दूर होगी तो हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज का भी नेटवर्क और विकसित होगा, उसका और विस्तार होगा। इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। ये वही लोग हैं जो बरसों तक एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे रहे। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। प्रधानमंत्री कहते तथ्य ही कहि 2014 पर चाषी 24% अधिक कि सरकार यहाँ दर्शाऊ चाषी को नहीं केते चिंतित केंद्र सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।